ज़ाफ़रान मताम अल अरबिक की जानिब से रमजान में रोजदारों के लिए पेश करते हैं रमजान स्पेशल हलीम, प्योर मटन चार गोशा असली घी में तरबतर ड्राई फ्रूट्स के साथ जायकेदार हलीम। वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज। AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी कॉल रिकॉर्डिंग विद ए मैन फारिस खादरी गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया। व्हाट द फुल कॉल रिकॉर्डिंग? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू? सलाम सर, मैं कम सर नाम सुन के फोन नहीं काटेंगे आप, मेरा प्रॉमिस करिए सर। फोन काट दे रहे आपके सभी MLA। हाँ, आपके सभी MLA सर मेरा नाम सुन रहे फोन कट कर ले रहे सर। इसमें जमहूरी हक है ना सर सवाल करने का मेरे को? देखिए भाई, अभी मैं चेन्नई में हूँ, फ्लाइट में बैठा हूँ। आप मेरे को 10 बजे करिए फोन सर। पक्का उड़ाइएगा आप फोन? कौन है आप? फारिस कादरी बात कर रहा हूँ मैं, नागपुर महाराष्ट्र से सर। नहीं, मेरे नहीं, आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप सामने सामने आके बैठ के बात सर। दारुसलाम आता हूँ ना मैं, फिर आप बुलाइए ना मेरे को। नहीं, दारुसलाम कोई दावत वलीमा नहीं है, दफ्तर हाँ? है, अवामी दफ्तर है, आइए मिलिए। तो सर गुंडागर्दी चलती ना, कितनी धमकी आई सर जान से मारने की, ये मार देते तो क्या करूँगा सर मैं? मेरे भाई वहाँ पर कम से कम 100-200 लोग बैठे रहते, अगर आप अपनी सस्ती शोहरत के लिए रिकॉर्ड करके। नहीं नहीं, सस्ती शोहरत, सस्ती शोहरत, सस्ती शोहरत बिल्कुल नहीं करता सर मैं। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आप वाकई में सच्चे ईमानदार हैं, आइए दारुसलाम, आमने सामने बैठिए, बात करिए, और ये जो अभी जो गुफ्तगु हो रही है उसको रिकॉर्ड मत करिए। बिल्कुल नहीं करूंगा सर मैं, आप प्रॉमिस करिए। आप मेरे को सर दावत दीजिए, मैं स्टार्ट हो जाऊंगा सर। मैं किसी को दावत नहीं देता। नहीं नहीं, दावत नहीं सर, दावत नहीं, मैं अपने उस पे आता हूँ, अपने उस पे चल जाता हूँ। सिर्फ आप प्रॉमिस करिए, मेरे को कुछ नहीं होता, मैं आते बिल्कुल वहाँ पर मैं आप देखिए। कोई किसी को कुछ नहीं होता, आप आइए, दिल साफ रख के आइए, और आपके दिल में जो है बात करिए, बात करिए। बिल्कुल 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 सर, ठीक है, ओके सर, वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। फ्लाइट में नहीं है ना आप अभी? अभी लैंड करा, बोलो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था सर कि ये सर आप लोग जवाब वबाब क्यों नहीं देते सर? कहीं का जवाब? तो आप लोग MIM पार्टी चला रहे, आप पूछ रहे, आप बोले ना सर, सबका डेमोक्रेसी राइट है, सवाल पूछ सकते इससे पहले आप। भाई मैं आपको बोला हूँ, आप दारुसलाम आइए, आप ये हिमाकत रिकॉर्डिंग करना छोड़िए, दारुसलाम आइए। क्यों सर, फोन पे जवाब दीजिए ना, आप दलाली करते रहेंगे क्या सर? आप BJP की दलाली कर रहे हैं ना आप लोग, पूरा हैदराबाद खत्म कर दिया आप लोग, बर्बाद कर दिया आप लोग। देखो भाई, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दारुसलाम आइए, बैठ के बात करें सर। वफ के प्रॉपर्टियाँ देखो सर, ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट देखो ना सर। मेरे भाई, आपको हर सवाल का जवाब, आइए, मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा, आप आइए, मैं जो दारुसलाम में रहूंगा, आप आइए बैठिए, बात करिए, ये हिमाकत सर। दो पाँच मिनट आप फोन पे जवाब नहीं दे सकते सर? नहीं, अब आपको मालूम, मेरे को तेलंगाना में 1% पब्लिक सुन रही है सर, तो आपका काम है ना उस चीज का जवाब देना। मैं आपको जवाब देने तैयार हूँ, आप आइए प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर आदमी आके हमसे बात करता। अरे नहीं सर, गुंडागर्दी चलती है वहाँ पर मैं दारुसलाम में। गलत बात है, गलत। देखिए आप बदनाम नहीं करना दारुसलाम को, आप कितने लोग आते वहाँ पे? कोई नहीं आता है सर, सब सबका पार्ट टू बन जाता है सर। उस्मान नगर वालों का भी हाल बेहाल हुआ था सर। मेरे भाई, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, एक मरतबा आइए, आप आइए मेरे साथ बैठिए, बात करिए, ये रिकॉर्डिंग छोड़ो, एक बार बैठो, बात करो, आके बैठो, देखो तुम, उसके बाद तुम जो फैसला करना है करो। ऐसा आपको जब तक आप आके देखे नहीं, महसूस नहीं कर सकते। ये रिकॉर्डिंग करना छोड़ो, इससे फायदा नहीं है, आपकी शोहरत में इजाफा होगा। मुबारक सर, शोहरत औरत में इजाफा नहीं, वो रिकॉर्डिंग करता ना मैं, अकबरुद्दीन अवैसी जैसे आपके छोटे भाई के जैसा फेमस नहीं होना है, राम की माँ और ये सब भाषण देके फेमस नहीं होना है मेरे को। रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ सर, मेरी आवाज आप तक के पहुँचाना है सिर्फ। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे मेरी बात को, मैं बोल रहा हूँ, आप आओ दारुसलाम को। बिल्कुल सर, कब आप तारीख दीजिए, मैं उस डेट को पहुँचता हूँ दारुसलाम। बिल्कुल, आप ये रिकॉर्डिंग नहीं डालना, आपको आके बैठो, बात करो, उसके बाद आप डेट दीजिए ना सर मेरे को, मैं पहुँचता हूँ फिर, आप बोलिए, आप डेट दीजिए, मैं उस तारीख को पहुँचता हूँ, आप गारंटी दीजिए। मैं बिल्कुल तशरीफ लाइए, दारुसलाम सबका है, आइए। ओके सर, रवीश कुमार नेशनल मीडिया के साथ, तेलंगाना लोकल मीडिया के साथ में, मीडिया के सामने आप जवाब दीजिए मेरे सवालों का सर। आप पब्लिक है, मुसलमान हूँ मैं, क्यों सर? आप
आप मेरे भाई सुनो, हर चीज को आप आके तो बैठो यार, बात तो करो सर। मीडिया के सामने जवाब देने में क्या होता है सर आप लोग? मीडिया मेरे भाई, जितना मैं मीडिया से मैं फेस करता हूँ शायद ही कोई करता हूँ। अरे सर वो तो पूरा स्क्रिप्टेड है, पूरी गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सिर्फ आपको शो करती, बाकी कोई मुसलमान लीडर को शो नहीं करती। अच्छी बात सर, आप तारीख दे दीजिए मैं आ जाता हूँ। जरूर आप मेरे को आइंदा जुम्मे हफ्ते को बात करिए, मैं लखनऊ जा रहा हूँ, कल मेरा जलसा है उतरौला में। नहीं सर कोई भी डेट दे दीजिए ना सर, एक मंथ दो मंथ बात का चलेगा। मेरे भाई सुनिए, वालेकुम सलाम, वन मिनट मैडम। आप मैं तमिलनाडु में भी इलेक्शन कैंपेन करना है, आप आइए बैठिए बात करिए हर चीज को। तुम देखो, तुम मेरा एक ही रिक्वेस्ट करो, एक बार तुम ये सब बैगेज छोड़ के अकेले आके बैठ के देखो तुम खाली। मैं सर सब कुछ देख लिया मैंने, वफ के प्रॉपर्टियां लूट गए, तेलंगाना बर्बाद कर दिया हैदराबाद का। सर आप तारीख भी तो नहीं दे रहे ना सर, आप डेट दीजिए ना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ, पार्लियामेंट भी है, तमिलनाडु का इलेक्शन भी है, आप आओ, मैं आपको तारीख देता हूँ, मैं आपको क्यों फिक्र कर रहे। सर कब आऊँ तो मैं सर, नागपुर से यहाँ पे मैं कब आऊँ आप बताइए ना, मैं बिल्कुल पहुँच दूँ। हाँ बिल्कुल आओ आप, और ये तुम जो कर रहे हैं ना, इसको छोड़ के आके तुम बैठो एक बार बात। सर यही तो एक जरिया है अपनी आवाज पहुंचाने का, बाकी तो सब स्क्रिप्ट पूरा खरीदा हुआ है। आप करते रहो, आप मेरे को उससे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको हमारा काम देखने का है, पहचानने का है, आप आके देखो एक मरतबा। बिल्कुल सर बिल्कुल, उस्मान नगर वालों ने बरोबर मेरे को वीडियो भेज दिए, फोन भी करे। ठीक है, वो सब अपनी जगह पे, आपकी राय अपनी जगह पे है, मगर आपको आपका काम ये है कि दूसरा रुख भी देखना। खाली सर पूरे रुख देखा ना मैंने सर, ओल्ड सिटी में मेट्रो नहीं आया अभी तक। अच्छा छोड़, वो अवेसी हॉस्पिटल में 500 रुपए में डिलीवरी होती, कुछ भी नहीं होता, 2 लाख का बिल बनता हुआ। हाँ मेरे भाई, आपको ओवेसी हॉस्पिटल आप बना लो सर, हम बना लो। बिल्कुल सर, हमारे जरिए हमसे जितना हो पाता ना, जो करना पड़ता वो करते। 500 बच्चियाँ पढ़ती, जाविया जवाहरुल फातिमा नागपुर में मदरसा है सर। दारुसलाम आइए आपके सामने सर, 0.1% भी नहीं हुआ फिर भी 500 बच्चे पढ़ रहे मदरसे में सर। और आप लोग वो बिजनेस को, आप अपने जाती बिजनेस को आप समाज सेवा बोलते, 1.25 लाख का बिल बनता आपके हॉस्पिटल में, और आप उसको बोलते हैं कि हम 500 रुपए में डिलीवरी करते हैं। देखिए फिर आप जो है ना, आप समझ रहे मेरी बात को, आप जी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप हिमाकत कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग करके अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं। नहीं सर, शोहरत कैसी बोलते सर, अकबरुद्दीन अवैसी बरोबर जो बोलते हैं वो वैसी शोहरत कर लेता हूँ ना सर मैं। अरे आपको मैं क्या समझाऊँ, आपको बोल रहा हूँ आप आइए तो सर, आप डेट भी देने को तैयार है सर आप लोग, अपना डेट देने को तैयार है आप लोग सर। बस मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप सुनो जी, मैं प्रोग्राम है मेरा यूपी में, पार्लियामेंट में जाने का है, तमिलनाडु का इलेक्शन है, जरूर मिलेंगे, मगर आप एक मरतबा आइए बैठिए बात करिए देखिए महसूस करिए सर मैं 4 से 5 मरतबा हैदराबाद आके जा चुका, उसके बाद मैंने वहाँ के हाल देखा ना, बहुत बेहाल थे। अच्छा ठीक है छोड़ दो ना भाई, तुम पूरे हिंदुस्तान में सर, बिहार में भी तबाही मचाया, अब बंगाल में सर आप गठबंधन कर लो ना सर, कांग्रेस से क्यों सर आप हटे सर, कांग्रेस से क्यों हटे सर आप, कांग्रेस को आप क्यों अगेंस्ट बोलते सर आप। आप आइए, पूरे सेक्युलर पार्टी को तबाह कर दिए सर आपने सर, ऐसा नहीं करो ना, आप मुसलमान है ना सर, क्यों ऐसा करते सर आप, अपनी शोहरत, आप अपने पैसों के लिए पूरे मुसलमानों को पुष्पे वो कर दिए आप सर। आप देखो भाई प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक मरतबा आइए, इन तमाम सवाल का जवाब सर मैं तो आने को तैयार हूँ, आप डेट देने को तैयार नहीं है ना मेरे, आपको एक भी सवाल के आप जवाब देने को तैयार है सर, क्यों सर ऐसा ना, आपके MLA एक भी पूरे अंगूठा छापे सर, कोई भी जवाब नहीं दे पाते ना आप दे पा रहे सर, आप पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब है माशाल्लाह। मेरे भाई आपको मैं बोल रहा हूँ, आप आइए बैठिए बात करिए मेरे से, मैं आपको जरूर वक्त दूंगा, आपका नंबर तो मेरे पास आ गया है। हाँ? मैं आपको बताऊंगा, आप आइए। तो सर कब आऊँ मैं सर, मैं बताऊंगा जब मैं हैदराबाद को वापस आऊंगा बताऊंगा। बिल्कुल सर मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ओके सर थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग तुम छोड़ो, तुम सर, एक बार आके देखो सर, रिकॉर्डिंग की तो जरिया है ना सर, रिकॉर्डिंग की तो जरिया है ना हमारी बात पहुंचाने का, नहीं तो आम आदमी की बात कौन सुनता है सर। मेरी बात आप तो बस वो कुछ भी आड़े टेढ़े भाषण देके, बड़े की कलेजी देके फेमस हो जाते हैं सर।
अरे 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 तुम क्या क्या बोले जा रहे, मैं तुम्हारे को मैं आपके फैक्ट बता रहा हूँ सर, आपकी हकीकत बता रहा हूँ मैं। कोई फैक्ट नहीं है, मैं आपको अदब के दायरे में रह कर, मैं भी अदब ही कर रहा ना सर, मैं कहाँ बदतमीजी कर रहा हूँ सर। मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक बार आओ मेरे भाई, एक बार आओ तुम्हारे। सर मैं आने को तैयार हूँ, आप डेट देने को तैयार नहीं है सर। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं जब हैदराबाद में रहूंगा आपको जरूर बुलाऊंगा। बिल्कुल सर, बस सर अल्लाह के वास्ते ना बंगाल में तबाही मत छोड़ दो, पहले बीजेपी ने बदनाम कर दिए पूरे हिंदुस्तान को, पूरा खत्म कर दिए वो, आप छोड़ दो, आप ये सियासी गुफ्तगू सियासी फैसले हमारी पार्टी के वो हम तय करेंगे। नहीं सियासी नहीं सर, आप मसला आप कलमे की बुनियाद पे वोट मांगते हैं सर, आप कलमे की बुनियाद पे सियासी अगर आप रहते हैं ना तो ऐसा नहीं करते आप। अरे मेरे भाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको टाइम दूंगा, आप आइए बैठिए मेरे से, शाम में बैठ के बात करिए, बात तो करो, बात करो, फोन से क्यों बात करना चाह रहे तुम। तो सर मैं आने को तैयार हूँ, आप डेट देने को तैयार नहीं। मैं आपको डेट दूंगा, बराबर आपको डेट दूंगा, आप इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, ओके सर, ओके। आप मेरी मुखालिफत करो, मेरे को इतराज नहीं है। बिल्कुल मुखालिफत नहीं करना है सर, मैं बस मैं सच्चाई जानना चाह रहा हूँ, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा जब तुम मेरे सामने बैठेंगे। फोन पे क्या हो जाता है तो सर? नहीं नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है मेरे दोस्त, ये नहीं है मेरे सर, क्यों बिल्कुल तरीका नहीं है ये। आप आइए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुनने तैयार नहीं है। मैं तो सर शुरू से रेडी हूँ ना, मैं तो मैं आपको डेट दूंगा, आप डेट दूंगा, बिल्कुल तशरीफ लाइए, बात करेंगे बस। ओके सर, ओके। रिकॉर्डिंग मत डालो, तुम आओ एक बार, तुम मेरे, हम कोई फरिश्ते नहीं है। आओ आप आओ बैठो बात करो, तुम्हारे को तुम मुतमइन हो, अच्छा है नहीं है तुम बोले मैं मुतमइन नहीं हुआ, ठीक है बहुत अच्छा है सर। मुतमइन बिल्कुल होंगे, आप हक पे रहेंगे तो मुतमइन होंगे, आपके साथ भी खड़े रहेंगे। मेरे दोस्त कोई और सर मेरे को कोई जाति देखिए सर, मेरे को कोई जाति दुश्मनी ना है, MIM से है ना आपसे है सर, ना मैं दूर हूँ, और मेरी एज सर अभी 20 साल हुई है, पहले मैं 19 साल का था, 4 महीने पहले जब मैंने अहमद पाशा गादरी को फोन किया था। तुम्हारे को सहज सर, मैं सिर्फ और सिर्फ ये ना जो देख रहा हूँ ना देश के हालात, उस वजह से बोल रहा हूँ मैं सर। वो देखो आप एक फिर आप शुरू हो गए, आप आइए बैठिए बात करिए, मैं आपसे फोन से बात कर रहा हूँ, मैं इसका मतलब ये कि रिकॉर्डिंग करके डालते रहना, मैं आपको बोल रहा हूँ आके बैठेंगे बात करेंगे, मैं वक्त दूंगा आपको, इस कन्वर्सेशन को उठा के रखो, डालो मत तुम जब मेरे से बैठ के बात करेंगे उसके बाद तुम इस्तेमाल करो, तुम रिकॉर्ड तो कर लिए होंगे, बहुत अच्छा है। नहीं ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है मेरे उसमें सर, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाता है। अच्छा कर रहा, धमकियाँ भी बहुत आई ना सर मेरे को जान से मारने की। अरे वो छोड़ो आपके लोगों की तरफ से, वही होता है आपके यहाँ। वो छोड़ दी, फिर आप शुरू हो गए, फिर गलत बात कर रहे, फिर गलत बात कर रहे आप। आपको मैं बोल रहा हूँ आप आइए, रिकॉर्डिंग मत डालो, आप तुम बैठ के बात तो करो यार, तुम मेरे से इख्तलाफ करो, तुम मुखालिफत करो, तुम्हारे को कौन बोल रहा है कि हम मुखालिफत मत करो हमारी, बिल्कुल करो, मगर एक मरतबा बैठ के बात तो करो तुम, हो सकता कि शायद तुम मेरी एक बात से मुतमइन नहीं रहेंगे, 9 से नहीं होंगे, 10 से नहीं होंगे सर। बिल्कुल सर, आप सिर्फ अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो मेरे को बहुत खुशी होगी, मेरी गलती रहेगी तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। देखो यह सवाल गलती का सही का नहीं है। आप नागपुर महाराष्ट्र में भी सर आप आए ना, सेंटर का इलेक्शन हारे यहाँ पर। छोड़ दो अब दोस्तों आओ, तुम ये तुम्हारे पास एक जहन में सवाल है, तुम मेरे से बैठ के बात करो। बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग कर करके डालने से फायदा क्या है? रिकॉर्डिंग करके डालने से फायदा ये होता सर, पब्लिक को समझ में आता, उस्मान नगर का इशू उठाने की वजह से मेरा भी उसमें 0.1% हिस्सा है तो मेरे को खुशी है। अरे मेरे दोस्त ये तरीका सही नहीं है, आप वन साइड डाल रहे, सिर्फ आप अपनी बात कर रहे, आप आने सर आप अपनी भी बात बोलिए, मैं सुनता हूँ ना, बोलिए। नहीं आप, मैं ये तरीका नहीं है मेरे भाई, मैं आपको वक्त दूंगा, आप आइए बैठिए बात करिए। सर वो वक्त कब आएगा मैं भ्रष्टाचार, बिल्कुल इंतजार करूंगा, जल्दी आएगा, बहुत जल्दी, बिल्कुल इंतजार करूंगा सर मैं जब आप तक। ये रिकॉर्डिंग मत डालो, तुम्हारी मेरी गुफ्तगू हर चीज को गुफ्तगू सर, क्यों पब्लिक को सुनने दो ना, क्यों नहीं डालो सर? भाई तुम मेरे से मिलो ना पहले, मेरे से मिल के पहले सर रिकॉर्डिंग भी डाल देते ना सर पब्लिक को, फिर उस पर भरोसा भी हो जाएगा ना सर, आप तो हक पे है ना मेरे दोस्त, फिर अपन लाइव एक बार पूरी डिबेट कर लेंगे आमने सामने बैठ के सर। मेरे दोस्त आप मेरे से मिलो, आपको पूरा इख्तियार है, आप मेरे से बात करो, आपके दिल में क्या सवालात है, क्या शिकायत है, आप बोलो मेरे को, बिल्कुल मैं भी सुनना चाह रहा हूँ, मैं भी सुनना चाह रहा हूँ, आप हमारी बात भी सुनो, आप विश्वास से बोलो कि दारुसलाम को आओ, देखो तुम क्या हो रहा, काम नहीं हो रहा,
आप सुनी सुनाई बात आप हैदराबाद को सुनी सुनाई नहीं है सर, देखा हुआ भी है। मैं पूरा हैदराबाद की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा है। आपकी आपकी राय है, ओल्ड सिटी में आपने मेट्रो नहीं लाए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के रहनुमा बनते। आप लोगों की हेट इस चीज की वजह से सब हिंदू मुसलमान में फसादात हो रहे, हिंदू मुसलमान आप लोगों की वजह से हुआ। बीजेपी और MIM दोनों आप सेम है सर, दोनों सेम है सर। झूठ बोल रहे आप, क्यों झूठ बोल रहे सर? बड़े की चले जी सही है, ये संविधान की बात करते ना सर आप, ये है सही है। एक बात सुनो, तुमको मालूम कर्नाटका में कितने खुरेश बरादरी के लोग बेरोजगार हो गए? तो सर बड़े की चले जी सही है, डिसीशन के बारे में बोलो। उस्मान नगर क्यों नहीं बोले तो आप, आपके घर की बात है ना। बाबरी मस्जिद पे इतना इशू उठाया आप, हैदराबाद की 5 मस्जिद पे खामोश क्यों? केस किया ऐसे आपने? मैं आपको बता रहा हूँ, असेंबली में रिकॉर्ड है। मैं आपको विश्वास से बोल रहा हूँ, तुम आओ, तुम खाली बोले जा रहे। देखो मजलिस की मुखालिफत करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपका इख्तियार है। नहीं मुखालिफत नहीं कर रहा सर, मैं बता रहा हूँ। देखो मैं आपको आखिरी मरतबा बोल रहा हूँ जी, आप मैं टाइम दूंगा, आप आइए बात करिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप मुत्तफिक हो जाना ना, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। आइए बैठ कर देखो, मालूम होता तुम्हारा। बिल्कुल सर, टाइम दीजिए आप, और जब तक अल्लाह के वास्ते जब तक आप टाइम दे रहे हैं सर, जब तक के थोड़ा सा हक कर आइए आप। नहीं छोड़ दीजिए आप, वो हमारी पार्टी का फैसला है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारा काम पार्टी है। लेकिन मुसलमानों के साथ में मत जोड़ो, मुसलमानों को बदनाम मत करो। आप हिंदुस्तान के मुसलमान बोले तो गंगा जमुना तहजीब है सर, या हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं? देखो तुम, देखो अब आप ये सब बातें मत करो। मैं आप क्या बोल रहा हूँ, आप एक बार आइए बात करेंगे, आप मुत्तफिक हुए अच्छा है, नहीं हुए कोई बात नहीं, मगर बातचीत होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ डायलॉग होगा, मालूम करो। देखो तुम दारुसलाम को मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आप खाली रिकॉर्ड करके डालना चाह रहे, डालो तो सर कब कब कब? मैं तो 4 महीने से रास्ता देख रहा हूँ टीम का। बिल्कुल मैं सर वेट कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आपको टाइम दूंगा, आप आइए बैठिए, सुनिए हमारी बात, सुनिए आपकी बात, सुनिए बात करिए। बात करने में कोई बुरी बात नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल बात करने में कोई बुरी बात नहीं है। आपके शकूक और शुबात है, आपके क्या दिल में क्या है वो मालूम हुआ था हमारे दिल में नहीं सर, हकीकत जो दिख रही बस वही बयान कर रहा हूँ मैं। दिल जो है ना हकीकत बयान कर रहा है सर। ठीक है ठीक है, मेरे को कोई 1 रुपए का जाती फायदा नहीं हो रहा है सब चीजों से। ठीक है, मेरे को भी कोई फायदा नहीं होता, आप छोड़ दीजिए हकीकत। आप एक रूप देख रहे हकीकत सर, आपको बहुत फायदा हो चुका ऑलरेडी, आप 600 करोड़ के घर पे रह रहे हैं। कोई फायदा नुकसान नहीं है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, ना तुम देने वाले ना मैं देने वाला हूँ, अल्लाह इज्जत देने वाला है, समझे? बिल्कुल सर, अल्लाह इज्जत देने वाला है, और आप जैसे लोगों को अल्लाह देने वाला है, अल्लाह कामयाबी देने वाला है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, कोई ना कोई देने वाला नहीं है इंशाल्लाह। अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है, आप आइए मैं बोलूंगा वक्त, आइए आप। इसको रोक के रखो, इसको रोक के रखो, मेरे से मिलने के बाद डालो तो तुम्हारे लिए। तो सर इसमें फिर मेरे को कुछ हो जाता तो कल कुछ भी नहीं होगा, खुदा ना खास्ता क्यों होगा तुम्हारे को यार। सर आप लोग सर पार्ट टू बहुत देखा मैंने, आप लोगों के बहुत बनाते माशाल्लाह हैदराबाद में। कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह अल्लाह। अरे अरे भाई अल्लाह खादिर है हर चीज पे, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा सर अल्लाह रसूल की बातें आप करते सर अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह रसूल की बात आप अच्छी भी करो ना सर। मैं आपको पूरे इखलास के साथ बोल रहा हूँ, और आपकी गुफ्तगू देखो, आप देखो आपकी गुफ्तगू क्या कर रहे हैं आप जी, आप खुद देख लो आप क्या गुफ्तगु कर रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं आप? सर आप लोग कौन सी अच्छी गुफ्तगु करते सर? अरे आप लोग गाय की बात करते, आप लोग इन सब चीजों की क्या जरूरत सर? मिर्ची मसाला लगा के आप फेमस होते सर। मेरे दोस्त आप आइए बात करेंगे, आप देखो आप ये एक एक सर मेरे को एक छोटी सी चीज का जवाब दे दीजिए ना सर, अभी जवाब अभी बस वो बढ़ेगी कलेजी का जवाब दे दीजिए ना आप, क्यों बोले सर वो चीज? बिल्कुल क्या बेनिफिट होता है इससे मेरे दोस्त? मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आइए आप रिकॉर्डिंग। और आप बोलते हैं आप सेक्युलर पार्टी है सर, सेक्युलर पार्टी है कि नहीं? आप लोग आप मुसलमान मुसलमान मुसलमानों के नाम पे दलाली कर रहे हो आप। आपकी देखो फिर आप ये गुफ्तगू है आपकी, सॉरी ये गुफ्तगू है आपकी सर, आप लोगों की भी ऐसी रहती है ना सर गुफ्तगू। आप फोन पे अगर आप ये बात करेंगे तो फोन बात करेंगे सर। आप लाइव डिबेट पे आइए, बिल्कुल आप आइए ना, मैं लाइव डिबेट करोगे सर आप, प्रॉमिस करिए। आप मेरे से पहले बात करना, मैं हर जगह जाने तैयार हूँ, आप पहले आइए बैठिए, गुफ्तगू रिकॉर्ड तुम कर रहे हो उसको मत डालो, एक मरतबा बैठो तुम मेरे साथ बात करो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आपको, मगर आप क्या क्या बोले जा रहे हैं देखो आप सर। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, मैं कहाँ गलत बोला सर? कोई फैक्ट नहीं, एक भी मेरी कोई बदतमीजी होगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर।
नहीं आपको माफी चाहने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ करा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे शब्द है ना सर, ए टू जेड परफेक्ट है सर आपके लिए। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, गलत बात बोल रहे हैं आप, कोई फैक्ट नहीं बोल रहे सर। गलत कहाँ है सर, हर चीज के मैं प्रूफ दे दूँ आपको, आप बोल रहे राय नहीं है सर, ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ना। अच्छा ठीक है, देख रहा है ना, देख रहा है ना, अल्लाह भी देख रहा है, इसलिए कामयाबी मिल रही है हमारे। आप आइए, कामयाबी आपको इसलिए नहीं मिल रही, वो बीजेपी आपको दे रही है कामयाबी क्योंकि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप। देखो तुम गलत बात बोल रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप क्या करे बोले जा रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, आप आपके दिल में इतनी अगर इतनी मुखालिफत है तो फिर आप एक बार बैठ के बात करो या फिर मत बात करो तुम। तो सर मैं तो रेडी हूँ, आप दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको वक्त दूंगा, मैं वक्त दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल इसको मत डालो आप, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको मत। क्या तकलीफ हो रही सर आपको, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक मरतबा तुम बैठ आओ।